सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनांस के ऊपर। तो बाइनांस के ऊपर अर्न के जो सेक्शन है उसके अंदर आपकी कुछ अर्निंग पड़ी है, आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो अगर आप ये को नहीं पता कि ये जो अर्निंग के ऑप्शन के अंदर जो अर्निंग पड़ी है आपकी, आप उसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो साथ ही स्पॉट वॉलेट है इसके अंदर आपको एक ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और उसके साथ गौर करें फंडिंग का ऑप्शन, इसके अंदर भी आपको जो है वो ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं स्पोर्ट के अंदर और स्पोर्ट से कर सकते हैं फंडिंग के अंदर। लेकिन अगर आप गौर करें अर्निंग वाले सेक्शन के अंदर, तो अर्निंग वाले सेक्शन के अंदर आपको जो है किसी जगह पे ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो आप जो है वो किस तरह इस अर्निंग को जो है वो स्पोर्ट वॉलेट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो अगर आप भाई को वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी से करना है। अगर आप भाई इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक कंप्लीट कर देंगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, और इसके साथ ही जो भाई अभी तक भी चैनल के ऊपर नए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ बने घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो सो गाइस, बिना फ्रे के चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम इस अर्निंग के जो सेक्शन है इसके अंदर जो अर्निंग है उसे कैसे ट्रांसफर करें स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो सिंपली आपने अपनी जो बाइनांस एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो लास्ट पे आपको वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। तो वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नंबर फर्स्ट पे जो ओवरव्यू है इसके अंदर अगर आप गौर करें तो पहले नंबर पे हमारे अर्निंग के सेक्शन के अंदर 2.5 डॉलर पड़े हुए हैं, ये हमने ट्रांसफर करने हैं स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो सिंपली क्या करना है, आपने अर्निंग वाले सेक्शन के ऊपर चले जाना है। अर्निंग वाले सेक्शन के ऊपर जाने के बाद इधर हमें देखें हमारे पास दो क्वीन पड़े हुए हैं, एक नंबर फर्स्ट पे है एथेरियम और नंबर टू पे है बीटीसी। तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, आपने एथेरियम के ऊपर क्लिक कर देना है। एथेरियम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ग्रीन कलर के अंदर, तो सिंपली जो है वो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप भाई जिस तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर इधर आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक रिडीम का है और दूसरा सब्सक्राइब का। तो सिंपली जो है आपने क्या करना है, आपने जो रिडीम वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप भाई रिडीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जस्ट आपने जो इधर मैक्सिमम है उधर आपके ऊपर जो मैक्सिमम देखने को मिल रहा है आपने उस मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करना है, और नीचे इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है आपने उनको जो है वो कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपने से कर देना है कन्फर्म। अब हुआ क्या है कि आपका जो पहला एथेरियम का जो क्वीन था वो ट्रांसफर हो चुका है, तो जस्ट आपने फिर क्या करना है, गो टू वॉलेट हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा रह चुका है इधर देखे सिर्फ एक बीटीसी, तो जस्ट आपने सिंपली सिर्फ बीटीसी के ऊपर क्लिक करना है, तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपने फिर वही स्टेप है जो पहले एथेरियम के साथ किए थे, तो आपने रिडीम के ऊपर क्लिक करना है और इधर मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करके आपने इसे नीचे से कन्फर्म कर देना है। इसकी टर्म एंड कंडीशन नहीं आई, अगर पहली दफा कर रहे हैं तो आपको टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो जस्ट देखे गो टू वॉलेट के अंदर गए तो अर्न के सेक्शन के अंदर देखें तो आपकी जो अर्निंग है उसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो चुकी है। पहले इधर आपको कुछ ना कुछ अर्निंग देखने को मिल रही थी, तो उसके बाद हम स्पॉट वॉलेट के अंदर जाएं तो हमारी जितनी भी अर्निंग थी वो स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। तो ये छोटी सी वीडियो जो आप भाई के साथ शेयर की कि आप भाइयों को पता चल गया होगा कि अगर आप भाइयों को नहीं पता कि अर्निंग का जो सेक्शन है उसके अंदर जितनी भी अर्निंग पड़ी हुई है आप उसे स्पॉट वॉलेट के अंदर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप भाइयों को पता चल गया होगा, क्योंकि फंडिंग और जो स्पॉट वॉलेट है इसके अंदर आपको ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलता है लेकिन अर्निंग के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये छोटी सी वीडियो सी, फिर भी अगर आप भाइयों का और कोई भी क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स है उधर मुझसे जरूर शेयर करना है। उसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भाई ने अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।